हाय एवरीवन, पेटीएम पेमेंट बैंक पे बैन लगा है। बहुत ज़्यादा मिथ ये आ गया है कि पेटीएम पे बैन लग गया, बट पेटीएम पे बैन नहीं लगा है, पेटीएम पेमेंट बैंक के सर्विसेज पे बैन लगाया है। 29 फरवरी 2024 के बाद से आरबीआई ने आरबीआई के बनाए हुए गाइडलाइंस को ना मानने के कारण पेटीएम पेमेंट बैंक के सर्विसेज को बैन कर दिया है। 2010 में विजय शेखर शर्मा जी ने पेटीएम की शुरुआत करी थी और 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक की शुरुआत करी गई थी। पेटीएम पेमेंट बैंक बहुत बार उनमें फाइन भी आरबीआई की तरफ से लगाया गया रूल्स गाइडलाइंस ना मानने के लिए, बट इस बार परमानेंट बैन है जो कि 29 फरवरी 2024 के बाद से अगर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई भी अमाउंट आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। सो ये बैन जो है ये क्या पूरे पेटीएम के सर्विसेज पे है या फिर सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक पे है? अगर आप पेटीएम यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम के यूपीआई ऐप को यूज़ कर रहे हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो उसमें कोई भी बैन नहीं है। बट उसमें बस बैन ये है कि जो यूज़र नेम उसमें यूपीआई आईडी दिया जाता था @paytm, सो @paytm आप यूज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि पेटीएम कंपनी कुछ किसी बैंक के साथ टाई अप करके वो थर्ड पार्टी @YBL जैसे फ़ोनपे में मिलता है, ICICI जैसे गूगल पे में मिलता है, इसी तरह से ये अपना अवेलेबल करवा दे किसी बैंक के साथ टाई अप करके। बट हाँ, यूपीआई में आप ट्रांजेक्शन इजिली कर पाएंगे, ऐसा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कहा गया है। पेटीएम के और भी सर्विसेज है, पेटीएम पेमेंट बैंक में क्या क्या बैन है? अगर आपका कोई अमाउंट डिपोजिट है पेटीएम पेमेंट बैंक में, तो आप कोई भी अब पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई अमाउंट आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका अमाउंट पहले से डिपॉजिट है तो आप उससे आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। तो विड्रॉ करने में कोई भी इश्यू नहीं है, बट हाँ अगर डिपॉजिट है तो आप उसे निकाल लें। आप उसके बाद भी 29 फरवरी के बाद भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपका कुछ लोन या ईएमआई चल रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक से, तो उससे आप शिफ्ट करवा लें दूसरे बैंक पे, क्योंकि ये प्रॉब्लम आएगा बाद में। आप या तो आप अभी पूरे ईएमआई का अमाउंट डिपॉजिट कर दें पेटीएम पेमेंट बैंक में, या फिर जो भी आप जिससे भी ईएमआई करवाए हैं उससे बैंक अकाउंट चेंज करवा लें। दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप मर्चेंट है, आपके पास साउंड बॉक्स है या फिर क्यूआर कोड है, तो क्या आपके लिए पेटीएम की सर्विसेज बंद है? नहीं, आपके लिए पेटीएम की सर्विसेज बंद नहीं है। बट अगर आपका क्यूआर कोड या साउंड बॉक्स पेटीएम पेमेंट बैंक से कनेक्टेड है, तब आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 29 फरवरी के बाद ये बैन हो रहा है। और रिसेंट न्यूज़ आ रहा है कि डेट बढ़ाने के लिए बात चल रहा है कि 29 फरवरी 2024 से डेट एक्सटेंड बैन का डेट को एक्सटेंड करा जाए। लेकिन अगर आपका साउंड बॉक्स पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा कोई और बैंक से कनेक्टेड है, HDFC, SBI, एक्सिस, किसी भी बैंक से कनेक्टेड है पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा, तो आप साउंड बॉक्स का यूज इजिली कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया है। पेटीएम की और भी सर्विसेज है जैसे पेटीएम मनी, जहाँ से म्यूचुअल फंड, NPS, स्टॉक्स आप परचेस करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने बताया है कि ये बैन नहीं हो रहे हैं, एज यूजुअल सर्विसेज चलेंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा सारे सर्विसेज एज यूजुअल वर्क करने वाले हैं। अगर आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं, ये सारा कुछ ऐप एज यूजुअल चलेगा, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं चल पाएगा। सो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।